आज हम आए हैं दरीन हिल पार्क। आज आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि हम फुल तैयारी से आए हैं ताकि हम इस सर्दी की शिद्दत को कंट्रोल कर सकें। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आए हैं दरीन हिल पार्क, जो कि दरीन बीच के बिल्कुल ही साथ ही में इन्होंने एक ऐसा पार्क बनाया है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि हिल को बेसिकली आर्टिफिशियली इन्होंने डिज़ाइन किया है और ये पूरी जो है ग्रीन हिल्स बनाई हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द में जो है ये आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने समंदर से जो है एक शाख निकाली है, जो कि इन्होंने ऊपर क्रॉस ओवर ब्रिज बनाया ताकि लोग एक जगह से दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में भी उस तरफ जाके अपना एंजॉय कर सकें। अभी स्टिल जो है काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है यहाँ पर, और इसके अलावा काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और अपने यहाँ छुट्टी का दिन एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। और बच्चों के लिए इधर इन्होंने और भी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स जो है वो लोग यहाँ पर रेंट पर ले सकते हैं और इधर पूरा जो है घूम सकते हैं यहाँ पर। और तो ऐसी कोई चीज़ नहीं अभी तक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी ज़्यादा जो एरिया इसका कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अगर आप उधर अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो उधर फ़िलहाल उन्होंने कुछ बनाया तो है, पर ये जो ब्रिज है ये अभी इन्होंने ऑपरेशनल नहीं किया क्योंकि यहाँ अपोजिट साइड पर जो है अभी तामीराती काम हो रहा है। बाकी जो राइट साइड पर जो ब्रिज देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है हैवी व्हीकल मूवमेंट के लिए इन्होंने ये ब्रिज अभी फ़िलहाल ओपन रखा हुआ है, ताकि जो है हैवी व्हीकल हैं जैसा कि बुलडोज़र हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेलर हो गया, कोई भी कंस्ट्रक्शन का सामान है जिन्होंने यहाँ से वहाँ लेके जाना है तामीराती काम के हवाले से, तो वो उसके हवाले से ये काम जा रहा है। बाकी इसके अलावा बहुत ही दूर एक जो है आइलैंड भी ये लोग बना रहे हैं, अगर आपको अगर नज़र आए तो ये पूरा एक उसका जो है रूट बन रहा है उस आइलैंड पर जाने के लिए। इनका आगे कोई प्लान हो सकता है, कोई हो कुछ होटल वगैरह बनाने के लिए। फ़िलहाल तो जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं ये भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर एक तो, और इसके अलावा जो है काफ़ी फैमिलीज भी हैं, रौनक वाला एरिया इस टाइम बना हुआ ही है। तो बाकी यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी शॉप वगैरह नहीं देखी जिसमें आप अगर चाय वगैरह आपने लेनी है, कोई कॉफ़ी लेनी है, हो सकता है वो दूसरी साइड पर हो, वो क्योंकि हम भी अभी आए हैं फ़र्स्ट टाइम। वैसे तो काफ़ी अर्सा हो गया इसको खुले हुए, तो मैं तो आ जाया हूँ क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी पहले, तो अब हम आए हैं तो इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड।
दोस्तों हम लोग अपनी गाड़ी में आके दोबारा बैठ गए। बाहर बहुत आज हवा चल रही है। मैंने कुछ ड्रोन शॉट लिए जिसमें एक कंटिन्यू स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा था कि स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिसकी वजह से जो है ड्रोन टेक ऑफ भी नहीं कर पा रहा था और काफ़ी ज़्यादा हाइट से जो है वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तो हमें ठंड लग रही थी, ठंड लगने की वजह से हम वापस आ गए। तो क्योंकि हमने कहा कि नाक में सीसी शुरू हो, इससे बेहतर है कि वापस गाड़ी में आ जाए, फिर किसी टाइम दिन के टाइम आ जाएंगे जिस टाइम थोड़ी सी धूप भी अच्छी निकली हुई होगी और थोड़ी सी हवा भी जो है कंट्रोल होगी। आज आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि हम फुल तैयारी से आए हैं ताकि हम इस सर्दी की शिद्दत को कंट्रोल कर सकें, पर फिर भी जी हवा की इतनी शिद्दत है और उसकी वजह से हवा इतनी ठंडी लग रही है। तो हमने कहा इससे अच्छा है बीमार हो, इससे अच्छा फिर कभी किसी और वक्त आ जाएंगे जब हवा कंट्रोल में होगी। तो ये था आज का जो है ओवरव्यू जो कि इन्होंने दरीन हिल पार्क जो बनाया उसके हवाले से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी इंशाल्लाह जब भी मुकम्मल हो जाएगा तब भी हम इसका आके दोबारा जो है एक ओवरव्यू बनाएंगे। इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पर कोई ना कोई एक छोटी मोटी पिकनिक पार्टी भी ज़रूर मनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।